आज मैं आपको ताजे हरे मटर स्टोर करने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे दोस्तों आप इसको साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, आज की रेसिपी एक कोई किचन टिप्स है और आप सर्दियों में जैसे कि ताजे हरे मटर बाजार से बहुत सारे लेके आते हो और आप इसकी बहुत सारी सब्जियां भी बनाते होंगे ऑफकोर्स, तो आप मेरे तरीके से साल भर के लिए हरे मटर को स्टोर कीजिएगा। आपको बाजार से जब सीजन खत्म हो जाएगा तो फ्रोजन मटर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे गर्म पानी में मैंने आधा किलो ये ताजे मटर छीले थे और इनको मैंने डाला है। जिन मटर को आपको स्टोर करना है उसके लिए आप बाजार से एकदम ये हरे हरे ताजे मटर लेके आइए और इनको छील लीजिएगा। छील के आप इनको एक बार धो लीजिएगा और धोने के बाद मैंने यहाँ पे पैन में गरम पानी किया था और इनमें मैंने मटरों को यहाँ पे डाल दिया है। मटर को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, बस इसको हमें थोड़ी देर के लिए बॉईल करना है ताकि इसमें से जो भी पेस्टिसाइड्स हैं या फिर कीटाणु हैं वो मर जाते हैं, इसलिए हमें इनको बॉईल करके ही स्टोर करके रखना चाहिए। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना बेकिंग सोडा डाला है, खाने वाला जो सोडा होता है करीबन 1/4 छोटी चम्मच जितना, और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे। तो आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं मुझे कमेंट में अपने सिटी का नाम जरूर लिख के बताइएगा। अब यहाँ पे 2 से 3 पिंच जितना मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और बस इसको 1-2 मिनट के लिए हमें इसको बॉयल कर लेना है, बहुत ज्यादा हमें इसको पकाना नहीं है। और हल्दी डालने से क्या होता है, जो मटर के कलर होते हैं ना वो हरे बने रहते हैं। तो आप इनको जैसे मैंने बताया है बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक और 1 से 2 चुटकी हल्दी पाउडर जरूर डालिएगा और इस तरीके से आप इनको साल भर के लिए भी स्टोर करोगे ना, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होते हैं, बिल्कुल एकदम ताजे फ्रेश बने रहते हैं। तो जब सीजन खत्म हो जाता है तो हमें कभी मटर पनीर खाने का मन हो, आलू मटर खाने का मन हो, या मटर की कचौड़ी या मटर के पराठे खाने का मन हो, तो हमें फ्रोजन मटर बाजार से लेना पड़ता है जो कि आप सभी को पता है बहुत ही महंगा पड़ता है और कई दाने जो उसमें होते हैं ना पीले पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं और अब हमें क्या करना है, सारे मटरों को छान के ना पानी में निकाल लेना है। रंजना जी जुड़ी हैं, राधे राधे आपको। मनीष जी अंबाला से देख रहे हैं हमारी वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे मैंने पानी से भरा हुआ जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ठंडा पानी है ना वो पानी लेना है आपको और इस तरीके से सारे मटर को छान के हमें इस बाउल में निकाल लेना है। तो सर्दियों में अभी काफी अच्छे हरे मटर मार्केट में मिल रहे हैं, तो आप भी अगर स्टोर करने की सोच रहे हैं तो मेरी ट्रिक को जरूर आजमाइएगा और आप इस ट्रिक को अपने दोस्तों घर वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ये देखिए सारे मटर को हमें बाउल में निकाल लिया है और अब इसको हम क्या करेंगे ना, एक बार पानी छान लेंगे। तो आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लग रही हो दोस्तों तो आप अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो जो मटर हमने पानी से बॉईल करके ठंडे पानी में निकाला था ना, उसको हमने क्या किया है यहाँ पे, इसका जो पानी है वो सारा हमने यहाँ पे छान लिया है और देखिए इस तरीके से कितने ताजे हरे मटर है हमारे और बिल्कुल भी इनका जो कलर है ना चेंज नहीं हुआ है और ये इसी तरीके से एकदम हरे हरे रहते हैं पूरे साल तक। अब हमें यहाँ पे एक किचन टावल ले लेना है और किचन टावल के ऊपर इस तरीके से इसको फैला देना है और इसके ऊपर का जितना भी पानी है ना ताकि वो सूख जाए। तो कई मटर के जो दाने होते हैं ना वो आप छीलते हो जब तो अंदर से थोड़े थोड़े दाग होते हैं या काले काले होते हैं, इस तरीके के मटर आप ना ले तो एकदम ताजे हरे वाले मटर ही लीजिएगा, नहीं तो एक दाने के कारण क्या होता है कई बार सारे दाने जो हैं वो खराब होने लगते हैं।
तो आप लोगों को ये मटर स्टोर करने की ट्रिक कैसी लग रही है, किचन टिप आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए सारे मटरों को ना हमें इसका जितना भी पानी है वो हमें इस तरीके से पोंछ के सुखा लेना है। तो मेरे तरीके से आप किलो, दो किलो, तीन किलो जितनी मर्जी हो आप मटर को छील के इस तरीके से जैसे मैंने पानी में आप सभी को दिखाया बॉईल करके और फिर आप इनको स्टोर करके रख सकते हो। तो एक साल तक जैसे कि मैंने बताया आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनको स्टोर करने के लिए जिपलॉक बैग ले लीजिए इस तरीके से। जनक सिंह जी जुड़े हैं नेपाल से, थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिपलॉक बैग में या फिर आप इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में, कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आप इसको किसी एयर टाइट जार में रखें जिसमें बिल्कुल भी हवा या फिर एयर का संपर्क ना हो। यहाँ देखिए सारे मटर को ना हमें इसी तरीके से एक जिपलॉक बैग में यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पे आज का डेट भी लिख दिया है 25/1/2024। तो एक साल तक हालांकि आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको मेरी रेसिपी से कोई भी सब्जी बनानी हो हरे मटर की, तो आप फ्रिज से ये फ्रोजन मटर निकालिए और इसको अभी मैं दिखाऊंगी आपको इसको यूज कैसे करना है। यहाँ देखिए मैंने डेट के साथ लिख दिया है और इसको अब हम इसके अंदर जितनी भी एयर है ना वो सारी हम इस तरीके से निकाल देंगे और ये जो जिप है वो हम बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों बस इस ट्रिक को आपको फॉलो करना है और आपके मटर जो हैं वो साल भर भी खराब नहीं होंगे। बस आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है और जब आप फिर से मटर को निकालते हो ना, तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैंने यहाँ पे मटरों को स्टोर करके रखा हुआ था और अभी आपको दिखाती हूँ ये कितने हरे हरे हैं, बिल्कुल भी इनका रंग जो है वो चेंज नहीं हुआ है। एक एक दाने जो हैं वो एकदम ताज़ा फ्रेश हैं, आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको स्टोर किया था बिल्कुल वैसे ही हैं ये। कई जो बाजार के मटर होते हैं ना मिक्स दाने होते हैं उसमें जो काले होते हैं पीले होते हैं और कई तो सड़ने लग जाते हैं, तो एक दाना खराब होता है तो सारे दाने खराब होने लगते हैं। तो आप मेरी इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। अब जब भी आपको जैसे कि मैंने आपको दिखाया फ्रिज से मैंने फ्रोजन मटर निकाला है और यहाँ पे गर्म पानी डालिएगा थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा और मटर है वो फिर से एकदम, आपको कोई भी सब्जी बनानी हो आलू मटर, मटर पनीर या फिर आपको स्टफिंग में यूज करना हो, मटर के पराठे बनाने हो, तो आप इसको फिर से यूज कर सकते हैं। तो आपको इसको फ्रीज में नहीं, इसको आपको डीप फ्रीज में रखना है, फ्रीजर में रखना है दोस्तों। और आप इसी तरीके से मेरी ट्रिक से मटर को साल भर के लिए स्टोर कीजिएगा। तो सीजन खत्म होने से पहले आप भी अगर हरे मटर को स्टोर करना चाहते हैं तो मेरी ट्रिप को जरूर आजमाइएगा, यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगी। जूतू जी जुड़ी हैं, राधे राधे आपको। मनीष जी पूछ रहे हैं कलर चेंज तो नहीं होगा, जी बिल्कुल कलर चेंज नहीं होता है। और अभी मैंने आपको फ्रीजर से ही निकाल के दिखाया है, मैंने मटर को स्टोर करके रखा था और कितने अच्छे दाने हैं ये, बिल्कुल भी इनका कलर जो है चेंज नहीं हुआ है और हर एक दाना जो है वो एकदम फ्रेश है, जैसे कि हम नॉर्मल बाजार से मटर लेके आते हैं बिल्कुल वैसा हो जाता है ये। तो चलिए आज की खास टिप को, मटर को स्टोर करने की टिप को आप जरूर आजमाएं और मुझे कैसी लगती है कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप अगर लाइव पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सबसे एक और नई लाइव रेसिपी में दोस्तों। अगर व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पे भी जरूर जुड़े हमारे साथ, इसी वीडियो में मैंने व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है। और रेसिपी अच्छी लगती है, किचन टिप अच्छी लगती है मटर स्टोर करने की, तो प्लीज इसको आप अपने दोस्तों घर वालों के साथ भी जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं आप सबसे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।